हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो चलिए आज मेरे साथ बनाते हैं सूजी ब्रेड। बहुत ही आसान तरीके से कम इंग्रेडिएंट के साथ एकदम सॉफ्ट, बाजार से भी अच्छी ब्रेड बनकर तैयार होगी। ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बारीक वाला सूजी। आपके पास जो भी सूजी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे और पीस कर बारीक करना है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करके और बारीक कर लिया है। वजन में ये तकरीबन 250 ग्राम है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर, ये वही मिल्क पाउडर है जिससे हम चाय बनाते हैं, नमक, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और इसे साइड में रख लेंगे। और अब हमें चाहिए, और अब एक बोल में मैं ले रही हूँ गुनगुना दूध, और इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी, और साथ ही इसमें डालूंगी ईस्ट। यहाँ पर मैं ड्राई ईस्ट का यूज कर रही हूँ। ध्यान रहे कि दूध हमारा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें हमने जो सूजी का मिक्सचर तैयार किया था उसे ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस मिक्सचर को मैं हैंड ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से गूंद लूंगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे हाथ से अच्छी तरीके से मसलते हुए गूंद सकते हैं। और अब इसमें हमें धीरे धीरे करके बटर या ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल यूज़ किया है। आप बटर को यूज़ करें तो उसे पहले मेल्ट कर लें। धीरे धीरे करके ऑयल ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंदते जाएंगे। तो हमें यहाँ पर 3 चम्मच तेल या बटर का यूज़ करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके हमारा जो डो है वो बिल्कुल रोटी का आटा जैसे हम लगाते हैं वैसा ही बनता जाएगा। तकरीबन 6 से 7 मिनट हमें इसे अच्छे से गूंदना है। डो को हमने अच्छे से गूंद कर तैयार कर लिया। तो आप देख सकते हैं पहले सूजी हल्का सा पतला पतला सा लग रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल आटे के जैसे लचीला हो गया है। तो अब इसे हम एक ग्रीस बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने एक बोल में हल्का सा तेल लगाकर इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। ऊपर से भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है क्योंकि गर्मी का सीज़न है, डो सूख ना जाए। इसे ढककर एक गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद वापस से डो को हमें अच्छे से गूंदना है। तो मैंने डो को एक प्लेन क्लीन सरफेस पर निकाल लिया है और अब इसे हम हाथों से अच्छे तरीके से स्ट्रेच करेंगे। तो इस तरीके से आपको 2 से 3 मिनट और स्ट्रेच करना है। जितना आप इसे स्ट्रेच करेंगे, जितना गूंदेंगे, उतना ही सॉफ्ट ब्रेड बनकर तैयार होगा। अब इसे हम शेप देने के लिए हल्का सा रोल कर लेते हैं। बहुत पतला हमें नहीं बेलना है, बस थोड़ा सा बेल कर तैयार करेंगे और इसे रोल कर लेंगे। जो भी टीन आप इसे बेक करने के लिए यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज आपको बना लेना है। मैं यहाँ पर लोएस्ट पैन यूज कर रही हूँ जिसे मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था। और अब इसमें मैंने डो को डालकर रख दिया है और इसे अब 30 मिनट के लिए मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। 30 मिनट के बाद डो हमारा फूल कर वापस से तैयार हो गया है। अब इसमें मैं हल्का सा दूध लगा दे रही हूँ, ये ठंडा दूध है, और ऊपर से डाल रही हूँ फ्लैक्स सीड, सीसमे सीड्स और थोड़ा सा पम्पकिन सीड्स। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो बस अब इसे हमें बेक करना है प्री हीटेड अवन पर 200 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट के लिए हमें इसे बेक करना है। तो ब्रेड हमारा एकदम तैयार है। ब्रेड को ओवन से निकालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बटर अप्लाई किया था और इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही मैंने इसे डिमोल्ड किया और अब इसके स्लाइसेस बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, ना आटा ना मैदा, सूजी से ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये थी आज की सूजी ब्रेड की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।